नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्पर्श क्लासेस में। दोस्तों, हम बात कर रहे थे माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण के बारे में। हमने सूक्ष्म शिक्षण के बारे में जान लिया और साथ ही साथ प्रस्तावना कौशल यानी कि इंट्रोडक्शन स्किल के बारे में हमने कल पढ़ा था। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे व्याख्यान कौशल की, एक्सप्लेनेशन स्किल की। ठीक है, तो जिन दोस्तों ने पहले वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी, पहले आप जाकर पहली वीडियोस देख लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आप पहले वो वाली वीडियोस देख लीजिए ताकि ये आपको आसानी से समझ में आ जाए। और आगे इसी तरह के बीएड से रिलेटेड सभी वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को। दोस्तों, आपने पढ़ा था इंट्रोडक्शन स्किल, प्रस्तावना कौशल। उसमें हम क्या करते थे, जब क्लास में एंटर करते थे, क्लास में एंटर करने के बाद हमें जो भी टॉपिक पढ़ाना होता था, जो भी कंटेंट हमें पढ़ाना होता था, हम उसको थोड़ा सा ब्रीफ में इंट्रोड्यूस करते थे कि आज हम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। उसका उद्देश्य ये था कि जो भी बच्चे इधर उधर जी माइंड सबका डाइवर्ट होता है उस टाइम पर, जब आप क्लास में एंटर करते हैं तो सभी बच्चों का जो माइंड है, जो कंसंट्रेशन है, वो अट्रैक्ट करना अपने कंटेंट की तरफ, अपने टॉपिक की तरफ, और बच्चों का जो ध्यान है वो आकर्षित करना एक उसका उद्देश्य होता था। साथ ही साथ बच्चों की प्रीवियस ईयर नॉलेज को जानना कि बच्चे पहले से कितना जानते हैं, जो जानते हैं उसी से ही नई नॉलेज को कनेक्ट करना, ये उसके उद्देश्य होते थे। डिटेल में जाने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब उसके बाद जब हमने चैप्टर को, टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, जब हम एक्सप्लेनेशन स्किल पर जाते हैं, जब हम एक्सप्लेनेशन स्किल की प्रैक्टिस करते हैं अपने कॉलेज में, तो हम ये मानकर चलते हैं जो भी टॉपिक की हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं उसका हमने इंट्रोडक्शन पहले ही दे दिया, हमें मानकर चलते हैं। मान लीजिए आपकी ट्रेनिंग हो रही है बीएड में, आपने इंट्रोडक्शन स्किल पहले दिन दे दी, नेक्स्ट डे आप जाते हैं एक्सप्लेनेशन स्किल दे रहे हैं, हो सकता है कि एक्सप्लेनेशन स्किल का आपका टॉपिक चेंज हो, तो वहाँ पर आपको माइंड में लेकर चलना है, सोच कर चलना है कि इसको हम इंट्रोड्यूस कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन स्किल में क्या करेंगे, जब हम इंट्रोड्यूस कर देंगे और जब हम बताएंगे कि ये इस कारण होता है और आज हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद जो हमारा टॉपिक होता है उस टॉपिक को पूरी तरह से एक्सप्लेन करते हैं, उसे समझाते हैं बच्चों को कि क्या टॉपिक है, क्या कंसेप्ट है, कैसे कैसे यह आया, उसके बारे में डिटेल से बताते हैं। एक्सप्लेनेशन स्किल के अंदर ही हम ब्लैक बोर्ड स्किल वगैरह का यूज करते हैं उसी टाइम पर। ठीक है, इस कौशल में, इस स्किल में अधिकांशतः क्या होता है कि अध्यापक जो होते हैं वो क्यों, कैसे आदि तार्किक रूप में स्पष्ट करते हैं। जो भी कंटेंट आपने बताया उसमें बच्चों के माइंड में कई क्वेश्चन होंगे कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। मान लीजिए गुरुत्वाकर्षण बल ही था, ग्रेविटेशन फोर्स था, आपने पहले इंट्रोड्यूस कर दिया कि अगर बॉल ऊपर जा रही है तो भी नीचे आके रुकती है, नीचे फेंक रहे तो भी नीचे रुकती है, क्यों ऐसा गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण होता है। अब बच्चे क्वेश्चन उठा है क्यों होता है, कैसे होता है, क्या कंसेप्ट है, कहाँ से है, उन सभी के जवाब आप जब देते हैं तो वो होती है आपकी एक्सप्लेनेशन। कोई भी चीज़ हो आप उसको खुल खोल कर बता रहे हैं, डिटेल में बता रहे हैं, तो वो ही आपकी एक्सप्लेनेशन। ठीक है, जो आपकी व्याख्या है, एक्सप्लेनेशन है, वो तीन लैंग्वेजेस में आप कर सकते हैं। सबसे पहले तो हुई पाठ्य वस्तु की भाषा, यानी कि जो आपकी कंटेंट की लैंग्वेज हो। ठीक है, दूसरे नंबर पर हुई किसी लेखक की भाषा, हो सकता है जिस राइटर के आप बुक यूज़ कर रहे हैं, जिस राइटर के आप रेफरेंस ले रहे हैं, उस राइटर की लैंग्वेज को आप यूज़ कर रहे हो। और थर्ड होती है अध्यापक की अपनी भाषा, यानी कि आप जो पढ़ा रहे हैं आपकी अपनी जो लैंग्वेज है आप उस लैंग्वेज में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, बुक की लैंग्वेज में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है, और किसी राइटर के लैंग्वेज में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अध्यापक व्याख्या करते समय आवश्यकता अनुसार शिक्षण सामग्री का उपयोग कर सकते हैं। टीचिंग एड तो एक ऐसी चीज़ है जो आप कोई भी स्किल यूज़ कर रहे हो, हर स्किल में आप टीचिंग एड का यूज़ कर सकते हैं, और जितने ज़्यादा आप टीचिंग एड का यूज़ करेंगे उतना ही अच्छा लगेगा, इतना ही अफेक्टिव बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम उद्देश्य के बारे में कि हम ये एक्सप्लेनेशन स्किल कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है। हम बच्चों को व्याख्या दे रहे हैं किसी भी क्वेश्चन का, डिटेल में बता रहे हैं उसका मतलब क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहले तो ये है कि छात्रों में तार्किक क्षमता का विकास करना, ठीक है, यानी कि लॉजिकल थिंकिंग का डेवलप करना। अब बच्चों को कोई कॉन्सेप्ट बताया कि धरती सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है या अट्रैक्ट करती है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, सिर्फ ये बता देने से काम खत्म नहीं होता, उसमें लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो सके बच्चे में, तो हम
उसको एक्सप्लेन करते हैं क्यों होता है, कैसे होता है, कहाँ से कंसेप्ट आया, कौन सा फॉर्मूला आया, क्या कंसेप्ट है, क्या थ्योरी है, वो सब डिटेल में जाते हैं। तो ये क्या हुआ, लॉजिकल थिंकिंग को डेवलप करता है बच्चों की। नेक्स्ट है तथ्य सिद्धांतों के प्रति अवबोध, यानी कि समझ का विकास करना। कोई भी तथ्य हमने बताया उसके बारे में समझ विकसित करना, समझ को डेवलप करना। घटक की बात करें, कंपोनेंट की बात करें, तो इसमें दो तरह के कंपोनेंट होते हैं, एक तो वांछित व्यवहार यानी कि जो हमें करना चाहिए, और एक होते हैं अवांछित व्यवहार यानी कि जो हमें नहीं करना चाहिए। दो तरह की बात इसमें बताई जाएगी। एक्सप्लेनेशन स्किल के दौरान, व्याख्या कौशल जब आप कर रहे हो उस दौरान क्या तो करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पहले हम बात करेंगे कि क्या करना चाहिए यानी कि वांछित व्यवहार क्या क्या है। तो सबसे पहले तो है प्रस्तावना कथन, यानी कि जब भी आप एक्सप्लेनेशन इसके लिए करें प्रैक्टिस, तो सबसे पहले आप एक इंट्रोडक्शन स्पीच दे दीजिए, यानी कि कह सकते हैं कि प्रस्तावना कथन बता दीजिए कि आप क्या बात कर रहे हैं, एक इंट्रोडक्शन सा, जैसे कक्षा में छात्रों को सावधानी सतर्क करने के लिए, ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रस्तावना कथन दिया जाता है। ठीक है, अभी आगे एग्जाम्पल दिखाया जाएगा, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्याख्यान संधियों का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि जब हम एक्सप्लेनेशन बोल रहे हैं तो बीच में जो संधियां आती है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, तो उनका भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि क्योंकि, इसलिए, जबकि, आदि, इन शब्दों का अच्छी तरह से उपयोग करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है अध्यापक को सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि जब आप एक्सप्लेन कर रहे हो तो ईजी से ईजी लैंग्वेज का यूज करना चाहिए ताकि बच्चों को समझ में आ जाए। ठीक है, इसके बाद है तकनीक का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए, टीचिंग एड्स का यूज करना चाहिए। इसके बाद है कठिन शब्दों को परिभाषित किया जाना चाहिए, मतलब जब हम एक्सप्लेन कर रहे हैं अगर कोई बीच में हार्ड वर्ड आ गया तो उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए, तो एक्सप्लेन करेंगे तो क्या होगा, बच्चों को समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई हार्ड वर्ड आया, आने दो और आप अपने एक्सप्लेनेशन में लगे हुए हैं। इसके बाद है समापन कथन, यानी कि जब आप अपनी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट कर दें उसके बाद एक समापन कथन दे देना चाहिए। समापन कथन में क्या होना चाहिए, यानी कि कंक्लूजन, पूरी एक्सप्लेनेशन का एक कंक्लूजन एक या दो लाइन में, क्या आप अंत में कहना क्या चाहते हैं। जैसे पूरा आप ऐसे लिखते हैं ना, उसमें ऐसे में पहले सबसे पहले प्रस्तावना लिखते हैं कुछ थोड़ा सा उसका दो चार लाइन में, ठीक है, उसके बाद उसकी पूरी की पूरी बारे में उसको ऐसे लिखते हैं, और लास्ट में क्या करते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं कि पूरे एसे का कंक्लूजन क्या हुआ। उसी तरह से इसमें होता है पूरी एक्सप्लेनेशन का कंक्लूजन क्या हुआ। छात्रों की समझ की जांच के लिए प्रश्न पूछने चाहिए, यानी जब आप एक्सप्लेनेशन दे दें उसके बाद एक दो क्वेश्चन पूछ लेने चाहिए ताकि आपको यह पता लग सके कि आपने जो भी एक्सप्लेन किया बच्चे उसको कितना अच्छी तरह से समझ पाए हैं। ठीक है, इसके बाद है अवांछित व्यवहार, यानी कि क्या ऐसे घटक है, क्या ऐसे कंपोनेंट है जो आपको एक्सप्लेनेशन के दौरान नहीं करने चाहिए। सबसे पहले है असंगत कथन, यानी कि कोई भी असंगत कथन, असंगत कोई स्पीच नहीं देनी चाहिए। इसके बाद है अवच्छिन्नता का अभाव नहीं होना चाहिए आप में, अवरोध रहित भाषण में कमी, यानी कि जो आप भाषण दे रहे हैं, जो आप स्पीच दे रहे हैं, जो आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं वो अवरोध रहित हो, उसमें रुकावट ना आए बीच बीच में, अस्पष्ट शब्द एवं कहावतें ये नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आपको गलत कोई शब्द, अस्पष्ट शब्द नहीं बोलना चाहिए, कोई ऐसी कहावत नहीं बोलना चाहिए जिसका कुछ अर्थ ना हो या क्लियर ना हो अर्थ। ठीक है, इसके बाद हम एक उदाहरण देख लेते हैं इसका, यह आपके सामने उदाहरण है, टॉपिक है आपका संघनन। ठीक है, यहाँ पर आपको टॉपिक साइंस के कराए जा रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट के टॉपिक्स देखने के लिए आप नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप जाकर अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सभी जो माइक्रो लेसन प्लान है वो आपके लिए अवेलेबल है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपके सबसे पहले आ गई छात्र अध्यापक क्रियाएं, यानी कि टीचर स्टूडेंट्स एक्टिविटी, और यहाँ पर आ गई स्टूडेंट्स एक्टिविटी। सबसे पहले आपने संघनन के बारे में प्रस्तावना कथन दिया, इसमें क्या करा टीचर ने कि गिलास में ठंडा पानी डाला और जब बाहर सतह पर थोड़ा पानी आ गया तब पूछा कि ये पानी की बूंदें क्यों आती है गिलास की सतह पर। ठीक है, अब इसके बाद करेंगे वो एक्सप्लेनेशन कि ऐसा संघनन के कारण होता है, गिलास में रखे पानी का तापमान कमरे के तापमान से काफ़ी कम होता है जिस कारण बर्फ का पानी भाप बनकर उड़ जाता है। तो ये आपने पूरी एक्सप्लेनेशन कर दी और लास्ट में आपने अंतिम कथन दे दिया कि अतः गैस में द्रव बनने की क्रिया को ही संघनन कहते हैं। ये आपका एक लाइन में पूरी संघनन की जो है वो डेफिनेशन होगी, वो सार हो गया, कंक्लूजन निकल गया। ठीक है, इस दौरान जो स्टूडेंट्स की एक्टिविटी होगी वो
स्टूडेंट्स क्या होंगे, शांत बैठे रहेंगे। अगर आप इसके बाद कुछ क्वेश्चन पूछते हैं एक दो उनके समझ को चेक करने के लिए, तो वहाँ पर उनके आंसर आ जाएंगे स्टूडेंट्स एक्टिविटी में, ठीक है। ये आपके ऊपर है। कोई भी अगर आप टीचिंग एड यूज़ कर रहे हैं तो बीच में आप एक कॉलम बना सकते हैं शिक्षण सामग्री का टीचिंग एड्स के नाम से, तो वहाँ पर आप अपने टीचिंग एड्स डाल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका स्किल आती है पुनर्बलन कौशल, यानी कि री इन्फोर्समेंट स्किल। तो सर जब आप एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, व्याख्या दे रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन के दौरान आपको पुनर्बलन कौशल आना चाहिए, यानी कि री इन्फोर्समेंट स्किल होनी चाहिए। अब ये री इन्फोर्समेंट का मतलब क्या है, पुनर्बलन का मतलब क्या है? मतलब ये है कि जब आप एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, जब आप पढ़ा रहे हैं, जब आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स रेस्पॉन्स दे रहे होंगे। जब आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो स्टूडेंट्स आंसर दे रहे होंगे। अब वो जो आंसर है वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। अब जो वो आंसर दे रहे, जो रेस्पॉन्स कर रहे हैं, टीचर को चाहिए कि जब भी कोई रेस्पॉन्स दे स्टूडेंट, चाहे वो आंसर सही दे गलत दे, उनको कुछ ना कुछ रीइन्फोर्समेंट देना चाहिए, इनकी पुनर्बलन देना चाहिए। मतलब कि पुनर्बलन क्या होता है कि बच्चों को मोटिवेट करना, ठीक है, ताकि अगर कोई बच्चा सही आंसर दे रहा है तो उसको शाबाशी, गुड, वेरी गुड करके उसको रीइन्फोर्स करना चाहिए, उसको मोटिवेशन देना चाहिए, ताकि बच्चा क्या हो, एकदम मोटिवेट हो और दोबारा सही आंसर देने के लिए क्यूरियोसिटी उसमें बनी रहे, ठीक है। और अगर बच्चा कोई गलत आंसर दे रहा है तो उसको नहीं गलत है, या नेक्स्ट टाइम आप सही करना, या उसको आंसर को सही करके उसको जब रीइन्फोर्समेंट देना चाहिए, ताकि बच्चे जब दोबारा दे तो वो कोशिश करे कि पिछली बार लास्ट टाइम हमने अगर गलत दिया तो इस बार सही दे। किसी भी तरह से मोटिवेशन करना चाहिए बच्चों का, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि यह उद्दीपन तथा अनुक्रिया के बीच का संबंध है, यानी कि आप कुछ स्टिमुलस दे रहे हैं, आपको क्वेश्चन दिया आपने, बच्चों के सामने कोई क्वेश्चन रखा, तो वो तो होगा आपका स्टिमुलस यानी कि उद्दीपन। अब उस उद्दीपन को देखकर स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स आया, स्टूडेंट्स ने अनुक्रिया दी, यानी कि स्टूडेंट्स ने उसका आंसर दिया, ठीक है। अब उद्दीपन और अनुक्रिया यानी कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच का जो संबंध है, कनेक्शन, वो होता है आपका रीइन्फोर्समेंट। आप उनको मोटिवेशन करने के लिए सही, गलत, गुड, वेरी गुड, शाबाश, नो, इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो बोल सकते हैं। इसके बाद उद्देश्यों की बात करें तो छात्रों के अपेक्षित व्यवहार को दृढ़ करना और अवांछित व्यवहार को कम करना, यानी कि इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि जो व्यवहार अगर हम चाह रहे हैं उसको तो मजबूत करना, दृढ़ करना, और जो अवांछित व्यवहार है उसको कम करना। मतलब कि वांछित व्यवहार, अपेक्षित व्यवहार क्या हुआ कि बच्चे सही आंसर दें, अगर बच्चे सही आंसर दे रहे हैं उसको तो हमें दृढ़ करना है, अगर अवांछित व्यवहार कर रहे हैं यानी कि कोई गलत आंसर दे रहे हैं तो उसको क्या करना है, उस व्यवहार को, उस बिहेवियर को कम करना। मतलब नेक्स्ट टाइम बच्चे गलत आंसर ना दे, अगर दे तो कम दे, ठीक है। अब देखते हैं पुनर्बलन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, दो तरह का पुनर्बलन, दो तरह का रीइन्फोर्समेंट होता है। सबसे पहला होता है धनात्मक और दूसरा होता है नकारात्मक। जब बच्चे सही आंसर दे देते हैं तब हम उनको शाबाशी देते हैं, गुड, वेरी गुड, अलग अलग तरीके से हम उसको शाबाशी दे सकते हैं, तो वो आपका धनात्मक पुनर्बलन यानी कि पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट, ठीक है। और दूसरा वो नकारात्मक पुनर्बलन, यानी कि जब बच्चे कोई गलत कार्य करते हैं तो हम उनको थोड़ा सा डांटते हैं, उनको गलत बताते हैं कि ये आंसर गलत है, ये आंसर सही हुआ, तो वो हमारा क्या हुआ, नेगेटिव रीइन्फोर्समेंट। वो भी मोटिवेशन का काम करता है नेगेटिव तरीके से, यानी कि हमने उनको गलत बताया या उनको डांटा करा तो वो एक तरह से रीइन्फोर्समेंट होगा। अब आप खुद देखिए, अगर आप कोई गलत काम कर रहे हैं, ठीक है, कहीं भी किसी भी एस्पेक्ट में ले लीजिए, आपने कोई गलत काम किया और उसके रेस्पॉन्स में किसी भी बड़े ने, किसी चाहे पेरेंट्स हो चाहे टीचर हो, आपको डांटा, ठीक है, आपको कुछ कहा, आपको कहा कि नहीं ये काम नहीं करना चाहिए, ये गलत काम है, ठीक है, तो क्या होगा, आप नेक्स्ट टाइम उस काम को नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, तो वो भी आपके लिए एक रीइन्फोर्समेंट हुआ, मोटिवेशन हुआ। और एक बार यहाँ ध्यान रखना है, डांटने से मतलब मारना नहीं है, क्योंकि पूरी बीएड में आप ये बात जरूर समझ लीजिए, चाहे आप बीएड कर रहे हो चाहे डीएड कर रहे हो, कहीं भी किसी भी बुक में, किसी भी सब्जेक्ट में, कहीं भी टीचर के लिए मारने की बात को सहमति नहीं मिलती है, ठीक है, यानी जो दंड का प्रावधान है उसको कहीं भी स्वीकृति नहीं मिली है। दंड को हमेशा गलत माना गया है, स्टूडेंट्स चाहे गलती करें उसको समझाना चाहिए, थोड़ा सा डांटना चाहिए, लेकिन कहीं भी मारने करने की जो है वो स्वीकृति नहीं मिली है।
ठीक है। अब जो धनात्मक पुनर्मिलन होते हैं, यानी कि पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट और नेगेटिव रीइन्फोर्समेंट, ये भी दो दो तरह के होते हैं। जिसे पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट हुआ, एक हुआ धनात्मक शाब्दिक, यानी कि पॉजिटिव वर्बल रीइन्फोर्समेंट, यानी कि जब हम पॉजिटिव वे में बोल कर कुछ कहें, जैसे कुछ आंसर सही हुआ बच्चे का तो हमने कह दिया गुड, वेरी गुड, शाबाश, तो ये हमने बोल कर बताया उसको, तो ये हुआ वर्बल। और एक होता है कि हम बोले बिना उसको रीइन्फोर्समेंट दे, जैसे कि अगर बच्चे ने आंसर सही दिया तो हम उसको गर्दन हिला के हाँ कह दे कि हाँ, मुंह से नहीं बोला लेकिन गर्दन हिला के हमने उसको बता दिया कि हाँ तुम्हारा आंसर सही है, या थोड़ा ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका अशाब्दिक, यानी कि नॉन वर्बल। इसी तरह नेगेटिव वे में हो जाएगा, आप मुंह से बोलकर बता रहे नहीं ये गलत है, नो वेरी बैड, मुंह से बोलकर बता रहे तो वर्बल, नेगेटिव वर्बल रीइन्फोर्समेंट हुआ, ठीक है। और अगर बिना बोले गर्दन हिला के कह रहे हैं कि नहीं बोल नहीं रहे, गर्दन के इशारों में कह रहे हैं, तो वो हुआ नॉन वर्बल, ठीक है। और इसके बाद हम देख रहे हैं घटक, घटक कंपोनेंट्स की बात करें तो धनात्मक शाब्दिक पुनर्मिलन दिया जाना चाहिए। घटक वो होता है कि क्या क्या बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो जब हम रीइन्फोर्समेंट स्किल कर रहे हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट दें, नेगेटिव रीइन्फोर्समेंट दें, पॉजिटिव वर्बल दें, पॉजिटिव नॉन वर्बल दें, नेगेटिव नॉन वर्बल, नेगेटिव वर्बल, तो हर तरह के रीइन्फोर्समेंट का हम यूज़ करें, ठीक है। ये आपको एग्जांपल है, आप इसमें देख सकते हैं, इसमें समझाने वाली कोई बात ऐसे नहीं है जो हम एक्सप्लेन करें। इसमें द टीचर एक्टिविटीज़ में टीचर्स क्वेश्चन करते हैं, स्टूडेंट्स आंसर देते हैं। अब उनका जो आंसर आया, जो रेस्पॉन्स आया, उनके बेसिस पर टीचर जो है उनको रिइंफोर्समेंट करते हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है और अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। आप अपने जो भी फीडबैक है, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, आप अपने फीडबैक कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आने वाली वीडियो में। आज के लिए